नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक सवाल लेके लोगों के बीच पहुँचे हैं कि बाबा राम रहीम जी की समाज को इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सफाई अभियान का ही उनकी जो मुहिम थी वही लगा लें, उनके जाने के बाद मेरे ख्याल से वो पूरी कैंपेन सरकार की भी डाउन हुई है। तो जब बाबा जी बाहर थे तो हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई सफाई अभियान संगत करती थी, तो ये रेडिकेट होती रहती थी साथ साथ चीज़ें। बट अब उनकी ज़रूरत काफ़ी है, नशा बढ़ गया है काफ़ी। आप देखो, जो रिसेंटली मेरे को राजस्थान विज़िट करने का मौका मिला, 15 दिन मैं वहाँ पे था, पान पराग गुटके वगैरह का जो प्रचलन है युवाओं में काफ़ी बढ़ गया है। तो जब बाबा जी थे रेगुलर सत्संग करते थे हर स्टेट में जाके, तो काफ़ी इम्पेक्ट पड़ रहा था, उनका पॉजिटिविटी आ रही थी। आप देखिए हरियाणा में फिर से जो बेटियों का रेशियो है वो गिर चुका है उनके जाने के बाद। तो ज़रूरत तो बहुत है, आप डिनाई नहीं कर सकते, उनकी प्रेजेंस इम्पैक्टफुल थी काफ़ी। और जब से बाबा जी गए हैं, जब से क्या नाम है, काफ़ी नशा भी बढ़ गया है। नशे में उन्होंने काफ़ी पाबंदी लगाई थी, जो कम से कम उनके फॉलोअर्स हैं 7 करोड़ के आसपास, और उसमें क्या नाम है, सामाजिक कार्यों में काफ़ी कमी आई हैं। समाज को और इस भारत देश को क्या घाटा पड़ रहा है? एक सत्संग होने, जब एक सत्संग होता था, पिताजी यहाँ मौजूद थे, तो लगभग 1 लाख लोग उनसे जुड़ते थे। जितने भी सत्संग कैंसिल हुए उनके ना होने पर, ये मान के चलिए कि प्रत्येक सत्संग में 1 लाख लोग उनसे नहीं जुड़ रहे, और वे बुराई उनके अंदर जुगत हुआ है, क्योंकि कुछ मीडिया ने कर दिया, कुछ पिताजी नहीं हैं, तो उनके अंदर जो बदलाव होना था वो नहीं हो पा रहा। दूसरी बात एक बताता हूँ आपको, एक घाटा और हमारे देश को हो रहा है। हमने बड़े बड़े शहरों को 55 लाख लोगों जाके, हम वी आई पी हैं, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हमने भी जो है कीचड़ निकाला है, दिल्ली को साफ किया, उसको करनाल को साफ़ किया, मतलब 25-30 उसको हमारे गंगा को साफ़ किया, हमने हरिद्वार में स्वच्छ अभियान चलाया, ये बॉम्बे पानीपत ये सारे साफ किए हैं हमने। लेकिन अगर फिर ये करने वाले थे हम, तो सरकार चाहती तो आज पैसा कितना पर सफाई पर कितना खर्च कर रही है, स्वच्छता अभियान पर कितना खर्च कर रही है। अगर हम पिताजी होते तो वह ऐसे ऐसे अभियान चलाते और एक एक बड़े बड़े शहर को एक दिन साफ कर देते। जहाँ तक अनगिन गिनती है, अनगिन यानी 100% कहते हैं लोग, लेकिन अनंत शंख नील पदम बहुत ज़्यादा, जहाँ तक गिनती ख़त्म है उस गिनती को बार बार रिपीट करें, इतनी ज़रूरत है। क्योंकि समाज में बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है, भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, बदमाशी, वैश्यवृत्ति, तो यानी नेगेटिव बढ़ता जा रहा, बुराई बढ़ती जा रही है और अच्छाई घटती जा रही है। तो संतों की तो समाज में जरूरत रही है पहले से ही, संतों के बिना आग लगी आकाश को झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संतों की तो बहुत ज़्यादा अनगिन बार जरूरत है जी।